हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम एक ऐसी प्रॉपर्टी में आए हैं जो कि ना कि बहुत एक अच्छी जियोग्राफिकली बहुत अच्छी लोकेशन पे है, बल्कि एक ऐसी बजट रेंज में आ रही है जिसको अभी मुझे लगता है कि जिस बजट रेंज में 99% ऑफ द क्लाइंट्स आर लुकिंग फॉर, और उस बजट में हमको कुछ ऑप्शन नहीं मिल रही है। इट इज़ ऑन SPR रोड सेक्टर 70 गुड़गांव में श्री वर्धमान विक्टोरिया के नाम से ये प्रोजेक्ट है। इट इज़ एन 11 acres। बजट वाली बात जो मैंने कही थी वो ऐसे है कि जिस बजट में नॉर्मली एक 1.5 crore के बजट में लोग गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR रोड पे एक गेटेड कम्युनिटी अपार्टमेंट सर्च कर रहे हैं, जो नहीं मिलता है वो इस बजट में, इस प्रोजेक्ट में एक रेडी टू मूव ऑप्शन, एक ऑप्शन आपको मिलती है। उसको आप देखोगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इट्स अ 3 BHK प्लस सर्वेंट साइज। आज अब आपको मैं वो दिखाता हूँ, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ इट। सो वर्धमान विक्टोरिया एक 11 एकर्स की लैंड में 9 towers के साथ एक सोसाइटी बसी हुई है, जिसमें कुछ 5 towers की पोजीशन ऑलरेडी आ चुकी है और बाकी 3 towers की पोजीशन अभी करंटली अगले 2 महीने के अंदर आने वाली है। इसके अंदर आपको 550 के अराउंड अपार्टमेंट्स मिलेंगे 9 towers में, एंड इट्स इट कंप्राइजेज ऑफ 2 BHK प्लस स्टडी एंड 3 BHK प्लस सर्वेंट साइजेस। 2 BHK प्लस स्टडी में आपको 1300 and 1350 स्क्वायर फीट के साइज मिलते हैं, जो अभी अवेलेबिलिटी है वो 1950 3 प्लस सर्वेंट के साइज में अवेलेबिलिटी मिलती है। तो अब हम 3 BHK के टावर्स में नीचे आ चुके हैं और एक टावर एंट्रेंस लॉबी में आपको दिखाने जा रहा हूँ, सो लेट्स हैव अ लुक ऑफ इट। तो जैसे ही हम 3 BHK के टावर में हम एंट्री करते हैं तो यू कैन सी दैट लग्जरी फील यू विल गेट इन दिस टावर। प्रॉपर फॉल सीलिंग, आपको गार्ड्स एरिया, रिसेप्शन एरिया आपको मिलेगा। इधर आपका काउच वगैरह एरिया रहेगा, जो वेटिंग लॉन्च एरिया जिसको हम कहते हैं वो भी रहेगा, एंड प्रॉपरली इटालियन मार्बल आपको इक्विप्ड ये पूरी रिसेप्शन लॉबी मिलेगी। हम पर्टिकुलर फर्स्ट फ्लोर पे अभी आ चुके हैं और व्हेन वी सी द टावर तो देर आर ओनली 4 flats ऑन ईच फ्लोर, सो टू दिस साइड एंड टू दैट साइड। इतनी वाइड लिफ्ट लॉबीज आपको मिलती हैं, 2 lifts आपको हर फ्लोर पे जाने के लिए मिलती हैं। जैसे ही हम 3+ servant देखते हैं तो जो हमारा सर्वेंट रूम है, आई विल शो यू, तो जैसे हमारा सर्वेंट रूम है, सर्वेंट रूम की आपको एंट्री भी सेपरेट बाहर से मिल जाती है, एंड दिस यू गेट दिस फॉयर स्पेस इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। दिस इज योर 7x7 सर्वेंट रूम, जो आपको देखने से आपको पता लगता है। इसके साथ एक अटैच वॉशरूम मिलता है, एंड यू गेट दिस शार्प स्पेस सो दैट कि अगर आपको इसको स्टडी रूम में कन्वर्ट करना है और कुछ AC वगैरह आपको फिट करना है तो वो भी आप इसमें ईजिली कर सकते हैं। नाउ वी आर एंटरिंग अ 3 BHK अपार्टमेंट। इसके अंदर आप जैसे ही एंटर करोगे तो आपको ये 5.6 by 8 का आपको प्रॉपर फॉयर स्पेस मिलता है, एंड देन यू गेट दिस वाइड लिविंग एंड डाइनिंग। द लिविंग एरिया का जो स्पेस है वो अराउंड 11.6 by 20.6 का स्पेस आता है, एंड देन व्हेन यू गेट दिस डाइनिंग एरिया प्रॉपर 11.6 by 9 का, तो दिस इज योर प्योरली L-shaped लिविंग एंड डाइनिंग विद इटालियन मार्बल
इटालियन मार्बल डेवलपर की तरफ से आपको लिविंग एंड डाइनिंग लगा के दिया जा रहा है। मास्टर बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग एंड बाकी दोनों बेडरूम्स में इटालियन लुक टाइल्स। लेट्स हैव अ लुक ऑफ इट। लिविंग एंड डाइनिंग के साथ एक हमको रनिंग बालकनी मिलती है जो कि एक गेस्ट बेडरूम और हमारे लिविंग एंड डाइनिंग के साथ कनेक्टेड है। सो विच यू कैन सी एक आपको प्रॉपर 6 feet by 15 feet की रनिंग बालकनी मिल रही है विथ स्टेनलेस स्टील बार्स एंड टफ एंड ग्लासेस इक्विप्ड। सो लिविंग डाइनिंग के जस्ट एडजस्टेंट हमारे पास एक फर्स्ट गेस्ट बेडरूम आता है जो कि 10.6 बाय 11 का है विद अटैच वॉशरूम मिलता है एंड एक छोटी बैल्कनी मिलती है। हालांकि कभी आप लेआउट अगर इसका चेक करोगे तो ये बैल्कनी उसमें नहीं शोर है, बट एक 1 feet की बैल्कनी डेवलपर ने सबको एक प्लांटेशन के लिए करके दी। यू कैन हैव अ लुक ऑफ इट। इसके अंदर आपको कहते हैं पूरे अपार्टमेंट के अंदर आपको ACs फिट करके दिए जा रहे हैं 1.5 ton के वोल्टास के। सो आपको वेदर इट इज गेस्ट बेडरूम, वेदर इट इज लिविंग एंड डाइनिंग और वेदर इट इज मास्टर बेडरूम एंड सेकेंड बेडरूम, सब में आपको एक एक AC मिलेगा। सो आप देख सकते हैं। वॉशरूम में आपको जितने भी टैप्स और शावर्स हैं वो कूलर की फिटिंग्स मिलती हैं और सैनिटरी फिटिंग्स में आपको हैंडवेल इटालियन कलेक्शन मिलता है। जैसा आप देख रहे हैं वॉशरूम एज इट इज आपको मिलने वाला। सो मॉडुलर किचन एक आज की डेट में नीड हो गई है, डिमांड की जगह एक नीड है। सो जैसा आप किचन देख रहे हैं अभी आपको एज इट इज मिलेगा। इट्स अ 10.6 by 7.6 का एक किचन है विद रेफ्रिजरेटर स्पेस। आपको डबल सिंक लगा के देंगे डेवलपर की तरफ से, आपको डबल सिंक मिलेगा, चिमनी एलिका की मिलेगी, हेटिक की सारी आपकी ऑलरेडी सारी आपके फिटिंग्स डन है, ऑल सॉफ्ट क्लोज आपको फिटिंग्स मिलेंगी। अटैच विद दिस एक आपको वॉशिंग बैल्कनी या यूटिलिटी बैल्कनी आपको मिल जाती है जिसमें आपको टैप का प्रोविजन रहेगा सो दैट कि आप अपना वॉशिंग एरिया उसको यूज़ कर सकें। सो सेकेंड बेडरूम आपका 11 by 11 का प्रॉपर अगेन रनिंग बालकनी के साथ एडजॉइंट एंड आपको इसमें वार्डरोब स्पेस मिलती है जो कि गेस्ट बेडरूम में अवेलेबल नहीं थी एंड इसमें आपको प्रॉपर इटालियन लुक टाइल्स के साथ लाइट्स एंड फैंस इक्विप्ड आपको ये रूम मिलता है। अटैच वॉशरूम इसके साथ भी आपको मिलेगा जिसमें अगेन हैंडवेल इटालियन कलेक्शन एंड कूलर की टैप्स एंड शावर्स की फिटिंग्स आपको मिलेगी। सो व्हेन यू मूव फॉरवर्ड तो आपको एक सेकेंड बेडरूम के साथ एक स्टोर मिलता है विच इज़ ऑलमोस्ट अगेन आप कबर्ड स्पेस उसको यूज़ कर सकते हो या पूजा एरिया यूज़ कर सकते हो। अपोजिट टू दैट आपको एक कॉमन वॉशरूम भी मिलता है। सो नाउ दिस इज मास्टर बेडरूम 12 by 15 का क्लियर स्पेस मिलता है, बेडरूम स्पेस अगेन वुडन फ्लोरिंग के साथ। इसके साथ ड्रेसर एरिया अलग से आपको 5 by 6.5 की एक ड्रेसर एरिया मिलता है एंड देन एडजस्टेंट उसके एक वॉशरूम आपको आता है। अगर मैं ड्रेसर एरिया की भी बात करूं तो यू गेट दिस बोथ द साइड स्पेसेस, आपको लेफ्ट और राइट पे दोनों तरफ आपको वार्डरोब बनाने की जगह मिलती है।
मास्टर बेडरूम के साथ एक सेपरेट आपकी प्राइवेट बालकनी आती है, अगेन 6 feet by 10 feet की आपकी बालकनी है। सो अगेन ये एक कॉर्नर बालकनी होती है, तो इसमें आपको प्रॉपरली 3 साइड ओपन व्यू भी मिल सकता है, मिलता है ये चीज़।